723 साल पहले चौहान शासकों के ऊपर आ पड़ी बहुत दुखद घटना, जब रणथंभौर किले की महिलाओं के पास में एक गलत सूचना पहुंची कि हमीर देव चौहान युद्ध में हार गए हैं, और इस गलत सूचना को पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हमीर देव चौहान के खास मंत्री। उसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम उस गौरवशाली इतिहास के साथ में यहाँ पर बना हुआ जो आप इतना बड़ा ये जो तालाब वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है पद्मिनी तालाब। और दोस्तों इस तालाब के अलग अलग नाम आप सुनेंगे, पद्मला तालाब कोई बोलेगा, कोई रानी की बेटी देवलदे के तालाब से इसको जानता है। तो दोस्तों इस तालाब का सीधा संबंध है राजस्थान के पहले जल जोहर से। और जब हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 10 जुलाई 1301 के समय में जब रण की पहाड़ियों पर राजा हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, जहां पर हमीर देव चौहान विजय रहे, लेकिन उनके कुछ खास जो उनके मंत्री थे रणमल, रतिपाल और भोजराज, उन्होंने किले की तरफ आते वक्त अलाउद्दीन खिलजी के काले झंडे को फहराया, जिससे यहाँ की रानियों को इस बात की सूचना मिली कि राजा हमीर देव चौहान किले में मारे गए हैं, जो कि गलत अफवाह दी गई थी, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने सत्ता को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था। तो दोस्तों इसी कुंड के अंदर बताया जाता है कि यहाँ की सभी रानियों ने और बिन बिहाई राजा की बेटी देवलदे ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और राजस्थान के इतिहास में पहली बार वो घटना सामने आई थी कि जब रानियों ने जल जौहर किया था। और दोस्तों आप उस समय को देख सकते हैं कि यहाँ की रानियों की वो कितनी आत्म शक्तिशाली होंगी, वो वीरांगनाएं होंगी जिन्होंने इस सूचना को पाकर कि उनके पति जो हमीर देव चौहान की सेना में सैनिक बनकर विरुद्ध लड़ रहे थे खिलजी के, और अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया था, तो उन महिलाओं ने भी सती प्रथा का पालन किया और अपने शरीर को त्याग दिया इसी कुंड के अंदर। और दोस्तों आज भी इस कुंड के आसपास वाले हिस्से को जब आप महसूस करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि उन वीरांगनाओं की छवि यहाँ पर आपको महसूस हो पाएगी। और यहाँ पर जितनी इमारतें आपको आसपास देखने को मिल रही हैं, उनमें से हम सामने की इमारत को देखते हैं तो वो रानी का महल बना हुआ है। राजा की जो पत्नी थी उनका नाम था रंग देवी, और सीधे हाथ की तरफ आपको यहाँ पर हमीर महल देखने को मिलेगा जो आज के वक्त में बंद है, लेकिन उसकी जो पिछली प्राचीर है वो यहाँ से ऐसी दिखाई मालूम पड़ती हैं। और कुछ जो मैं चीज़ें हैं यहाँ से भी फोकस में डालता हूँ, पानी पीने के लिए पहले जो कुएं और बावड़ियाँ बनाई जाती थी, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पुराने वक्त की जो एक बावड़ी है उसका नज़ारा आज भी देखा जा सकता है। इसमें स्टेप्स भी बनाए गए हैं, स्टेप वेल आप इसे कह सकते हैं। तो ये बावड़ी है दोस्तों जो कि स्क्वायर फॉर्म में बनी हुई है। सामने की तरफ एक वक्त पहले यहाँ पे चड़स यानी कि रस्सी वगैरह लगी रहती होगी जिससे कि लोग पानी खींचते होंगे। और आज यदि हम इस इतिहास के साथ में इस बात को समझते हैं तो ये पता लगता है कि रणथंभौर किले का जो गौरवशाली इतिहास है वो अपनी कहानियां चीख चीख कर लोगों के सामने आने को आज मजबूर है, क्योंकि चौहान शासकों की एक जो ब्रांच है वो यहाँ पर आकर पली बढ़ी, उन्होंने यहाँ के इतिहास को एक नया रूप दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के बाद में उनके बेटे गोविंद राज चौहान अजमेर को छोड़कर रणथंभौर के इस स्थान पे आके बस गए थे, और उसी के बाद से इनकी जो चौहान शाखा है वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। उसके बाद में बने थे पल्लन देव चौहान, उसके बाद बने थे प्रहलाद, उसके बाद बने थे वीर नारायण, फिर बने थे वाघभट, फिर बनते हैं दोस्तों यहाँ 1250 के एक बहुत बड़े जाने माने राजा जिनका नाम था जैत्र सिंह, और लास्ट में जिसकी वजह से रणथंभौर का जो किला है ज़्यादा विख्यात हुआ, यहाँ के सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली राजा हमीर देव चौहान। 1282 में उनका शासनकाल शुरू हुआ था, 1301 11 जुलाई तक वो सत्ता में रहे थे, और 11 जुलाई के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक
प्रमुख सेनापति अलोग खां को यहां पर सत्ताधारी कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी खुद चला गया था दिल्ली की सत्ता पर। तो युद्ध के अंदर हिंदू और मुस्लिम जितने भी सैनिकों ने लड़ाई की उसमें से मुस्लिम जो सैनिक मारे गए तो उनके कुछ कब्रें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक कब्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके साथ में यहाँ पर देखने को आपको एक बड़ा सा जो मकबरा दिखाई दे रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि उस सेना के ये कुछ प्रमुख विशेष रहे होंगे, इसलिए इनका इतना बड़ा जो मकबरा है वो बना हुआ है। इसी प्रकार का एक जो मकबरा है यहाँ पर आप आज भी देख रहे हैं, कुछ ऊपरी जो भाग है वो खंडित हो चुका है, स्क्वेयर इनका नीचे वाला बेस बना हुआ है, चारों दिशाओं में अलग अलग दरवाजे बने हुए हैं और इसका अधिकांश जो भाग है वो यहाँ पर उनकी कब्र के साथ में दिखाई मालूम पड़ता है। इसके बाहरी रूप में कुछ ये जो कुरान की आयतें हैं वो लिखी ज़रूर गई थी पर समय ने उन्हें धुंधला बना दिया है। अंदर की तरफ में मज़ार है जहाँ पर लोग चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं और यहाँ के लोगों की इन पॉइंट्स को लेकर एक अलग विशेषता महत्वता रही होगी। आज के वक्त में ये जो सब चीज़ें हैं हमें उस इतिहास के साथ में जोड़ रही हैं। और दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को देखने के लिए आपको यदि आना है तो रणथंभौर के किले में जब आप आ जाते हैं तो आपको गणेश भगवान मंदिर को देखते वक्त आपको ये सारी जो इमारतें हैं जिनकी तामीर आज से तकरीबन 700 साल पहले या फिर बीच के जो भी शासक थे जिसमें से इल्तुतमिश ने भी यहाँ पे अपना शासन किया था, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का भी शासन रहा है, उसके बाद में शेरशाह सूरी ने भी किया है, अकबर के समय में भी यहाँ पर उन्होंने इस स्थान को अपने कार्याधीन किया था और अकबर शासनकाल के समय में ही मुग़ल शासनकाल के समय में ही जो जयपुर के महाराजा थे जोधा सिंह जी उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारा काम भी किया गया था और इसी हिस्से को अकबर काल के समय में अपना कारावास के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। उस कारावास के अंदर अकबर की टकसाल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अनाज भंडार को इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर कक्ष कमरा बनाया गया जो कि सूरज पॉल की तरफ से लेकर आया जाता था उस अनाज को, क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्र पर अनाज वगैरह की उत्पत्ति नहीं हुआ करती थी, इसीलिए अनाज वगैरह को पास में ही एक स्थान पड़ता है आपका जिसे बोलते हैं खंडार का किला, उस किले से अनाज वगैरह यहाँ पर लाते थे और उसको स्टोर किया करते थे। इसी हिस्से में आपको पुराने वक्त की जेल भी देखने को मिलेगी जहाँ पर कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। इसी हिस्से में आपको बहुत सारी जो अलग अलग वक्त के शासकों की अपनी पहचान की जो इमारतें हैं वो कतारबद्ध तरीके से पूरे किले में हर दिशा में फैली हुई मिलने वाली है। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में आपको बंदर वगैरह लंगूर वगैरह देखने को मिलेंगे। ये पुराने वक्त की जो दरगाह है दोस्तों ये ठीक है ना, इसका जो फ्रंट फेस है वो आज ऐसा दिखाई देता है। दरगाह के बाहर वाले हिस्से में कुछ कब्रें बनाई गई हैं। पहले ऐसा होता था कि जो सैनिक लड़ते लड़ते जब मर जाते थे तो उनको ना वहीं पर दफनाया जाता था, इसलिए इनकी जो कब्र है वो आउटर वॉल की तरफ आपको देखने को मिल रही है। और इसको पूरे रणथंभौर के किले को 3-4 अलग अलग लेयर की प्राचीर में यानी कि दीवारों में इनको बनाया गया है, सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान काफ़ी अच्छा रखा गया है। अभी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं ताकि हम ना इस वाले हिस्से को भी देख सकें। यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर ऐसा बताते हैं कि एक ऐसा वक्त यहाँ पर आ गया था किले के अंदर कि जब यहाँ का सारा जो अनाज है अन्न है वो ख़त्म हो गया था और उस समय अमीर खुसरो ने एक लाइन बोली थी इस किले की सेना को देखते हुए, इस किले की उस समय की व्यवस्था को देखते हुए कि जो रणथंभौर का किला है यहाँ पर जल की और अन्न की इतनी कमी हो चुकी है कि 2 सोने के दानों के बदले में कोई भी एक चावल का दाना भी नहीं देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति इस किले में आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में देखी थी और यहाँ पर बना हुआ है माँ अन्नपूर्णा का बहुत पुराना एक मंदिर और इस मंदिर के जो कुछ बातें हैं यहाँ पर हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। देवनागरी लिपि के अंदर यहाँ पर एक अभिलेख मिला था जिससे ये पता लगा था कि विक्रम संवत
1898 के समय में इस मंदिर की जो स्थापना है वो की गई होगी। सामने का व्यू देख सकते हैं। आज के वक्त में यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवलिंग स्थापित किया गया है, भगवान शिव का ये मंदिर बना दिया गया है, मुख्य मंडप, उसके बाद में यहाँ पर गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, थोड़ा हमें यहाँ के इतिहास से रूबरू करवाइए। ये राजा जतर सिंह जी थे, राजा अमीर के पिता जी, उन्होंने इसका निर्माण कराया, यानी कि धन्य धान्य की कोई कमी न रही इस किले के जी, इसमें ये स्थापना की। तो आज के वक्त में यहाँ पर शिवलिंग हम देख रहे हैं, तो माता अन्नपूर्णा का जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थापित आज के वक्त में? सामने की तरफ है। अच्छा, सामने वाली जो मूर्ति है वो माता की मूर्ति है, वो बहुत प्राचीन मूर्ति। अच्छा, और ये शिवलिंग भी पहले का है, बाद में स्थापित किया? ये भी पुराने वक्त का ही है। तो सरकार ने इस मंदिर को रिनोवेट करवाया था या मंदिर ये भी टूटे अवस्था में मिला था? क्योंकि यहाँ पे मिले, थोड़ा सा खंडित था, थोड़ा सा खंडित था ये, ठीक है। मंदिर का खंभ थोड़ा जो इसका स्तंभ है वो थोड़ा हुआ बता रहे पंडित जी, थोड़ा खंडित हुआ था, बाकी यहाँ पे जो मूर्ति है वो शेष मिली थी, ऐसे ही सामान रख के मूर्तियों को ऐसे की बचा लिया गया था। तो पंडित जी ने हमें काफी सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की है, और राजा जैत सिंह के समय के इस किले की स्थापना के समय में ही कुछ वर्षों के बाद में जो यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का मंदिर है ये बनाया गया था।